हर हर महादेव, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के एक महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में, जो कि है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका निर्माण वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। और यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और 13 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना तय है। इसके बाद यह मंदिर परिसर हमारे देश के विशालकाय मंदिर परिसर में से एक होगा। इसके बाद श्रद्धालु और पर्यटक पहले की अपेक्षा काफी आसानी से भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि वाराणसी हमारे देश के एक प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक देश और विदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी के सैकड़ों मंदिरों में से काशी विश्वनाथ मंदिर भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन करने के लिए आते हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अतः श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए और दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को होने वाले परेशानियों को दूर करने के लिए और मूलभूत सुविधाओं की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, इसके साथ ही गंगा नदी के किनारे से काशी विश्वनाथ टेम्पल तक बेहतर पाथवे कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला 8 मार्च 2019 को रखी गई थी। यह एक ब्राउनफील्ड परियोजना है जो कि लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके साथ ही मंदिर परिसर के अंतर्गत 23 नए भवनों का निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में इन जन सुविधाओं वाले 23 भवनों का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, दर्शक दीर्घा, फूड कोर्ट इत्यादि शामिल है। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास 300 से अधिक संपत्तियों को सरकार द्वारा खरीदा और अधिग्रहण किया गया। इसके साथ ही करीब 1400 से अधिक दुकानदारों, किराएदारों और मकान मालिकों का पुनर्वास सौहार्दपूर्ण ढंग से पूरा किया गया। इतना ही नहीं, अधिकांश लोगों ने भी अपनी स्वेच्छा से इस परियोजना के निर्माण के लिए सरकार को अपनी संपत्ति बेचने का फैसला किया, जिसका परिणाम यह है कि इस परियोजना के विकास से संबंधित अधिग्रहण और पुनर्वास को लेकर देश के किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है। अतः इसी बात से इस परियोजना की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत जिन 40 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया गया है, सरकार द्वारा मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई पुरानी संपत्तियों को नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान इन सभी 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों को खोज निकाला गया और इन मंदिरों की मूल संरचना में कोई बदलाव किए बिना इनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया गया है। वर्ष 2019 के पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर लगभग 3000 वर्ग फुट एरिया में सीमित था, परंतु काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत इस मंदिर परिसर के एरिया को 5 लाख वर्ग फुट जितने विशालकाय क्षेत्र में विस्तारित किया गया है। यह परियोजना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं को गंगा नदी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच डायरेक्ट पाथवे की फैसिलिटी प्राप्त हो जाएगी। यह कॉरिडोर गंगा नदी के ललिता घाट को मंदिर परिसर के मंदिर चौक से कनेक्ट करेगा। इसके अंतर्गत 25 फीट चौड़ा कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। प्रतिदिन लगभग 40,000 से अधिक श्रद्धालु और सावन के महीने में, जिसमें आम दिनों की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, अतः सावन के महीनों में प्रतिदिन लगभग 3 लाख श्रद्धालु इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। इस परियोजना के 70% क्षेत्र को ग्रीन कवर के रूप में विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ों को लगाया गया है। श्रद्धालु और पर्यटक इन पेड़ों के नीचे विश्राम भी कर पाएंगे। मंदिर परिसर के अंतर्गत 10,000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत 7 विशालकाय प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, स्पिरिचुअल लाइब्रेरी,
वर्चुअल गैलरी, टूरिस्ट सेंटर, टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स कार पार्किंग एरिया, टॉयलेट बिल्डिंग्स, टेम्पल चौक, वाराणसी सिटी गैलरी, म्यूजियम, मल्टीपर्पस ऑडिटोरियम, मल्टीपर्पस हॉल, डिवोटी फैसिलिटेशन सेंटर, सल्वेशन होम, गोदोलिया गेट, सेवादार और पुजारियों के लिए शेल्टर, फायर स्टेशन, सिक्योरिटी हॉल इत्यादि का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही रात्रि में खूबसूरती के लिए स्पेशल स्काई बीम लाइट सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। मंदिर परिसर में मराठा क्वीन महारानी अहिल्याबाई होलकर के मूर्ति की भी स्थापना की गई है। श्रद्धालुओं के लिए लॉकर्स, टिकट काउंटर्स, पूजा सामग्री बिक्री हेतु दुकानें इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। इस महापरियोजना की रूपरेखा आर्किटेक्ट श्री बिमल पटेल द्वारा तैयार की गई है। यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 दिसंबर 2021 को होने जा रहा है। इस परियोजना के फेज वन के निर्माण में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के अंतर्गत इसके मंदिरों को बालेश्वर स्टोन्स, मकराना मार्बल, कोटा ग्रेनाइट, मंडाना स्टोन्स इत्यादि से संवारा गया है। मंदिर परियोजना के निर्माण के दौरान हजारों नौकरियां उत्पन्न हुई है एवं सैकड़ों कारीगरों को अपनी कुशलता दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगास में से एक है। अतः इस परियोजना के निर्माण से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को दर्शन के दौरान एक नया अनुभव प्राप्त होगा। पहले की अपेक्षा अब काफी ज्यादा सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसके कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के संख्या में भी वृद्धि होगी। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना से केवल श्रद्धालु और पर्यटकों को ही लाभ नहीं होगा, इस परियोजना के निर्माण से रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के निर्माण कार्य और जमीन अधिग्रहण को मिलाकर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस परियोजना का निर्माण पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है और यह परियोजना श्री काशी विश्वनाथ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत आता है। इस परियोजना का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात डीपीआर एचसीपी डिजाइनिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और वाराणसी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस वीडियो का अंत एक प्यारी सी पंक्ति के साथ करते हैं, जो कि मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर कवि रोशन सिंह ने शेयर किया हुआ है। चमक रहा है तेजी से वो हीर तुम्हें दिखाते हैं, इस वतन के किस्मत की लकीर तुम्हें दिखाते हैं। विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है देश ये, विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है देश ये, चलो बदलते भारत की तस्वीर तुम्हें दिखाते हैं, चलो बदलते भारत की तस्वीर तुम्हें दिखाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा टॉप 5 एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।